हमीरपुर शहर के बीचों बीच बाल स्कूल खेल मैदान की सीढ़ियों पर आजकल अश्लीलता देखने को मिल रही है, क्योंकि सीढ़ियों पर सुबह से लेकर देर शाम तक कई दर्जन युवा प्रेमी जोड़े गुटरगुंग करते नजर आते हैं। हद तो उस वक्त हो जाती है जब मैदान से बच्चे राहगीर गुजरते हैं, लेकिन प्रेमी जोड़े अपनी हदी पार करने से गुरेज तक नहीं करते हैं। इस तरह शरेआम खुले मैदान में इस तरह की हरकतें करने पर गुजरने वाले बच्चों और प्रैक्टिस कर रहे खिलाड़ियों पर भी बुरा असर पड़ रहा है, लेकिन ना तो पुलिस और ना ही प्रशासन द्वारा इस पर कोई कार्रवाई किए जाने से लोगों में गहरा रोष पनप रहा है। हमीरपुर शहर के लोगों ने भी इस तरह प्रेमी जोड़ों के खुलेआम मैदान में बैठकर अश्लीलता फैलाने पर ऐतराज जताया है। लोगों का कहना है कि इस तरह सुबह से शाम तक युवा मस्ती करते रहते हैं, जिससे आंखें बंद करके गुजरना पड़ता है। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि इस तरह के युवाओं पर शिकंजा कसा जाए, ताकि युवा पीढ़ी पथभ्रष्ट होने से बच सके। एक तो बच्चे घर से स्कूल के लिए आते हैं और स्कूल में ना जाने की वजह से यहाँ बैठे रहते हैं। अगर ये रेलिंग बनी हुई है ना, इसमें पता नहीं किस धूप सेकने के लिए आते हैं या स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं, और ऐसी गंदी गंदी हरकतें कर रहे हैं कि आने जाने वालों को भी इसमें दिक्कत आ रही है और सर महसूस कर रहे हैं। और जो बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं वो भी वहाँ जाकर खड़े होकर उनको देख रहे हैं कि ये बच्चे क्या कर रहे हैं, उनके ऊपर भी बुरा असर पड़ रहा है। या तो कोई ऐसा इंतजाम होना चाहिए कि ये जो बच्चे बैठ रहे हैं बिना मतलब से आकर एक दो बार उनका आई कार्ड चेक करके या कुछ भी उनका मैसेज ले करके जो है उनके घर तक मैसेज पहुंचे कि ये बच्चे आकर क्या करते हैं। से बहुत ज़्यादा परेशानी है, लेडीज़ औरतें बच्चे जाते हैं वहाँ पे, उन पे बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है इन चीज़ों का, और हम ये चाहते हैं कि ये काम ना हो, प्रशासन यहाँ पे कोई सिक्योरिटी गार्ड या कुछ भी खड़ा करे, ताकि यहाँ पे ऐसे लड़के और कुछ सामाजिक गंदे तत्व जो नशा करते हैं लड़के वो ग्राउंड में बैठे रहते हैं, हम उनसे परेशान हैं और हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो, क्योंकि आगे ये हमारे फ्यूचर के लिए ही बहुत ज़्यादा गलत है। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई सिक्योरिटी वाला हो और आगे से ये चीज़ ना हो। वहीं बाल स्कूल प्रिंसिपल अंजू ठाकुर का कहना है कि सुबह 9 बजे से 3 बजे तक बाल स्कूल गेट को बंद रखा जा रहा है, लेकिन कई युवा युवतियां गेट फांद कर अंदर घुस जाते हैं। उन्होंने ऐसी घटनाओं पर कहा कि इस तरह युवाओं की हरकतों से स्कूली छात्रों पर भी बुरा असर पड़ रहा है, लेकिन स्कूल टाइम के बाद गेट को खोलना पड़ता है। गौरतलब है कि कई युवा जोड़ी कॉलेज और स्कूलों से बंक मार कर खेल मैदान की सीढ़ियों पर दिन भर जमे रहते हैं। वहीं आए दिन बाल स्कूल खेल मैदान प्रेमियों का अड्डा बनता जा रहा है और प्रशासन इस पर अंकुश लगाने में फिसड्डी साबित हो रहा है। एक्चुअली ये जो हमारा गेट है, ग्राउंड के गेट, हम 9 से 3 बजे तक हमेशा बंद रखते हैं, क्योंकि इसका फिर हमारे अपने बच्चों के ऊपर भी गलत इम्प्रेशन पड़ता है। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल एक्टिविटीज़, स्टेट लेवल एक्टिविटीज़, कोई ना कोई मीटिंग, कोई ना कोई ट्रेनिंग जो है वो चली रहती है, और लोग बाहर से जो है वो गाड़ियों में आते हैं, उस वजह से बीच में हमें गेट खोलना पड़ता है। तब बीच बीच में जो है वो ऐसे सुनने में आ रहा है कि ऐसी घटनाएं जो है वो होती रहती है, और साथ में मैंने अपने स्टाफ की भी ड्यूटी लगाई है कि बीच बीच में वो राउंड लगाएं। मैंने पिछली बार भी एसपी साहब से भी बात करी थी कि हमें एक सिक्योरिटी गार्ड जो है, क्योंकि 24 घंटे तो हम गेट को बंद नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चों का भी आना जाना रहता है और स्कूल से रिलेटेड एक्टिविटीज़ तो हमने करवानी है, तो अगर हमें जैसे पुलिस विभाग की तरफ से सिक्योरिटी गार्ड इस गेट पे मिल जाए तो सारी समस्या का समाधान हो जाएगा, कि लोगों को भी आने जाने वालों को भी दिक्कत नहीं होगी, हमारे बच्चों को भी परेशानी नहीं होगी, और ये घटनाएं जो घट रही हैं वो भी नहीं घटे।